आज जिला कुरुक्षेत्र में आतंकवाद विरोधी व हिंसा का डटकर विरोध करने को लेकर जिला पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर करना है, आम लोगों की पीड़ा को उजागर करना और ये दिखाना कि ये कैसे राष्ट्रहित के लिए हानिकारक है। आज ही के दिन वर्ष 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसी कारण से 21 मई के दिन भारतवर्ष में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की आधिकारिक घोषणा की गई थी। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों आदि में आतंकवाद विरोधी शपथ ली जाती है। इसी के मद्देनजर पूरे भारतवर्ष में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए जिला कुरुक्षेत्र के पुलिस मुख्यालय सहित तमाम थाना, चौकी व पुलिस लाइन में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों को आमजन के बीच शांति, सामाजिक सद्भावना, मानव जीवन के मूल्यों को बचाने के लिए खतरा पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ डटकर मुकाबला व विरोध करने को लेकर शपथ दिलाई गई। खबरनामा हरियाणा के लिए क्राइम रिपोर्टर राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।